अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ठेकेदार तथा जनता दल यूनाइटेड के नेता मोहम्मद मुन्ना की हत्या के मुख्य अभियुक्त सहित सभी चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। जिसकी तलाश थी उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। पत्रकारों को तमाम जानकारी एसएसपी बाबू राम ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिसंबर को अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत होरलपट्टी मोड़ के पास अज्ञात 2 अपराध कर्मियों ने चलती गाड़ी में स्कॉर्पियो मालिक को गोली मारकर स्कॉर्पियो गाड़ी एवं गाड़ी मालिक की डेड बॉडी सहित गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं। इस सूचना पर पूरे जिले की नाकाबंदी करते हुए सघन चेकिंग एवं खोजबीन शुरू की गई और खोजबीन के क्रम में गाड़ी एवं गाड़ी मालिक के शव के नहीं मिलने पर संदेही चालक से पूछताछ के उपरांत गाड़ी और मृतक के शव को ग्राम असगांव अब्दुल्लापुर चौक के पास से बरामद किया गया। इस संबंध में उक्त घटित घटना के संबंध में अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या 180/2019 दिनांक 3 दिसंबर 2019 धारा 302 201 120 बी और 34 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट अंकित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में मुख्य सरगना एवं गोली चलाने वाला प्राथमिकी अभियुक्त अमीरुल को पटना जंक्शन से उसके सहयोगी मोहम्मद अलाउद्दीन जो स्कॉर्पियो गाड़ी को सब के साथ छिपाने में मदद किया उसे पटना जंक्शन से भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। साथ ही मृतक के चालक मोहम्मद रिजवान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कांड में फरार अभियुक्त मोहम्मद रब्बानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद रब्बानी से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अमीरुल ही था। घटना के कारण 1 वर्ष पहले मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना द्वारा अपनी दबंगता दिखाते हुए अभियुक्त अमीरुल की बहन की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध करवा दी गई। गिरफ्तार अभियुक्त रब्बानी के द्वारा बताया गया कि 3 माह पूर्व से ही उसकी बहन गायब है और उसका पूरा शक है कि गायब कराने में उसे मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना का ही हाथ है। मृतक के दबंगता के कारण उसके विरुद्ध पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करा पाए। इसी सभी कारण को लेकर साजिश रचकर मृतक के चालक मोहम्मद रिजवान को मिलाकर घटना कारित की गई। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस गाड़ी में गोली मारकर घटना को अंजाम देकर मृतक के शव सहित लेकर भागा गया था उक्त गाड़ी शव सहित बरामद कर ली गई है। स्कॉर्पियो में रखे रुपयों को भी बरामद कर लिया गया है। जिस पिस्टल से घटना को अंजाम दिया गया था उस पिस्टल को कारतूस सहित बरामद किया गया एवं उसके खोखा एवं पीलेट को भी गाड़ी से बरामद कर लिया गया है। इस कांड में त्वरित विचारण कराकर शीघ्र ही अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु कार्रवाई की जाएगी तथा इस घटना का त्वरित एवं सफल उद्भेदन करने में लगी पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद अमीरुल, मोहम्मद रब्बानी और मोहम्मद अलाउद्दीन हैं। अपराधियों के पास से सामानों की जो बरामदगी हुई है उसमें एक पिस्टल 7.65 mm का, जिंदा कारतूस 7.65 का 2 एवं खोखा 1, पिलेट 1, 4 मोबाइल, काले रंग की स्कॉर्पियो, अभियुक्त के द्वारा साथ में लिए लाल बैग, नगद रुपए 1,32,000। इसमें पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता और गोली मारने वाले अमीरुल और मृतक के ड्राइवर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। कल रात में रब्बानी नामक एक अन्य मुख्य अभियुक्त जो फरार था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इनसे पूछताछ में इन्होंने कुछ बातों का समर्थन किया है, कुछ नई बात बताई है। इन्होंने जो मुख्य रूप से बताया है कि घटना का कारण, इनका कहना है कि अमीरुल की उससे 2013 से पुरानी दुश्मनी चल रही थी और इसके अतिरिक्त 1 साल पहले अमीरुल की बहन की शादी मृतक ने अपनी दबंगई से अमीरुल की मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करा दी थी। इसको लेकर भी दोनों में तनातनी चल रही थी। इसके अलावा रब्बानी की बहन भी पिछले 2-3 महीना से गायब थी और इन लोगों को विश्वास था कि इसकी बहन के गायब होने में भी मृतक का ही हाथ था। हालांकि इनकी बहन के बारे में भी हम लोगों को पता चला है कि वो दिल्ली में रह रही हैं किसी के साथ में। ये आज का ही घटनाक्रम है। तो जो हत्या की मुख्य वजह सामने आई है वो
दोनों जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी बहन को लेके दोनों पार्टी में जो डिस्प्यूट था उसके चलते ही घटना को अंजाम दिया गया। जो मुख्य अभियुक्त हैं अमीरुल और रब्बानी, ये दोनों ही अपनी बहन के मामलों से इनसे नाराज चल रहे हैं, और जो मृतक है वो तथा कथित रूप से अपने क्षेत्र में काफ़ी दबंगई करते थे जिसके चलते भी इनके अंदर नाराज हुई थी। अभी तक की जांच में जो चार लोगों का नाम सामने आया था उनकी सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा इन चारों के मोबाइल नंबर की डिटेल वगैरह हम लोग और जाँच कर रहे हैं। अगर कुछ और भी किसी किस्म की संलिप्तता सामने आएगी तो उसके विरुद्ध भी फिर कार्रवाई की जाएगी।